अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि विक्स वेबसाइट डिजाइनिंग के कंप्लीट कोर्स के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हैं और कंप्लीट कोर्स आउटलाइंस मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं विक्स वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स के अंदर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर देखें, मैंने कम्प्लीट जो कोर्स आउटलाइंस है वो यहाँ पे कंपाइल की हुई हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद विक्स के इंटरफेस के अबाउट, प्राइसिंग प्लान्स, ईच एंड एवरीथिंग, साइन अप किस तरह से करना है प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद डैशबोर्ड, विक्स का कंप्लीट डैशबोर्ड के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद कस्टमाइजेशन के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके अंदर एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कस्टमाइजेशन की सेटिंग्स में अवेलेबल है और उनको किस किस तरह से यूज़ करना है। सिमिलरली फिर हम देखेंगे जो डिज़ाइनिंग कस्टमाइजेशन के रेलिवेंट टूल्स हैं, सेक्शंस हैं, कॉलम लेआउट्स हैं और वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस है, इसके अबाउट डिटेल के अंदर लर्न करेंगे। प्री मेड टेम्पलेट्स के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे इसके, इन सारी चीज़ें सीखने के बाद। और उसके बाद हम, मैं आपको ब्लॉग, ई कॉमर्स, बुकिंग सर्विसेज वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, ये सारी लाइव डिज़ाइन करके दिखाऊंगा वन बाय वन। और SEO के अबाउट हम डिटेल के अंदर जानेंगे कि विक्स की SEO किस तरह से आप करेंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से सेटिंग्स हैं जो आप करेंगे, और एंड के अंदर हम अपनी वेबसाइट को लाइव पब्लिश करेंगे। इनके इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं लिखना भूल गया हूँ, लाइक जैसे कस्टम डोमेन हो गई, वो किस तरह से ऐड करनी है और ये सारी चीज़ें। और इसके अंदर जैसे जैसे हम कोर्स के अंदर आगे आते जाएंगे, जो जो चीज़ें मेरे सामने आती जाएंगी उनको भी मैं डिस्कस करता जाऊँगा। तो आई होप इस कोर्स को आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।